नमस्कार, मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अपनी एक रचना भेज रही हूँ जिसका शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर लिखना सूरज को रोशनी दिखाने जैसे ही है, फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रही हूँ। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ। इन्हें लोग गुरुदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। ये एक बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक, कवि और दार्शनिक के रूप में पहचान रखने वाले और एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनकी दो रचनाओं को दो देश के राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है, जिसमें भारत में जन मन घन अधिनायक और बांग्लादेश में अमार सोनार बांग्ला बांग्ला को आज भी गाया जाता है। ये बचपन से ही बहुत भावी व्यक्तित्व के धनी थे। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। ये कलकत्ते के निवासी थे। ये कलकत्ते के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में रहते थे। उनकी पढ़ाई सेंट जीवियर्स स्कूल में हुई, जो वहाँ की प्रतिष्ठित स्कूल में से एक है। इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने बैरिस्टर बनने के लिए 1878 में इंग्लैंड में ब्रिज टोन में दाखिला किया कराया और फिर कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए। वहाँ इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की, लेकिन डिग्री बिना लिए ही भारत लौट आए और 1883 में मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ। कम उम्र से ही इनमें साहित्य की प्रतिभा थी और ये 8 वर्ष की उम्र से ही लिखने लगे थे। 1877 में जब ये मात्र 18 वर्ष के ही थे, इनकी लघु कथाएं छपी और इसके बाद भारतीय संस्कृति में इन्होंने जान ही फूंक दी। इन्होंने गीतांजलि, महुआ, शिशु भोलानाथ, पूर्वी प्रवाहिनी, वनवाणी, परिवेश, कनिका, नैवेद्य, परिवेश इत्यादि काफ़ी रचनाएं हैं। इनके पिता ब्रह्म समाजी थे, इसलिए ये भी ब्रह्म समाजी ही थे। इन्होंने 2200 से ज़्यादा गीतों की रचना की और इन गीतों के माध्यम से सनातन धर्म की कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इंसान और भगवान के बीच के चिरस्थायी संबंध को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से ही अपनी रचना में लिखा है। बाद में इन्होंने अपनी कुछ पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में भी किया, जिसके कारण इनकी ख्याति देश विदेश सभी जगह फैल गई। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत लगाव था, जिसके कारण उन्हें लगा कि प्रकृति और के सानिध्य में पढ़ाई करने से विद्या और स्वास्थ्य दोनों ही ठीक रहेंगे। इसलिए 1901 में उन्होंने सियालदह छोड़ दिया और आश्रम की स्थापना की, जो कि शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ गुरुदेव ने प्रकृति से प्रेरित होकर पेंटिंग भी करना शुरू कर दिया, जिसे बहुत ही पसंद किया गया। इसमें देशभक्ति की पूरी तरह भरी रहती। इसी पद्धति में गांधी जी से संपर्क हुआ, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। गांधी जी राष्ट्रवाद को महत्व देते थे, वहीं टैगोर जी मानवता को महत्व देते थे, किंतु दोनों की विचारधारा अलग होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। गुरुदेव ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। शांति निकेतन में आर्थिक समस्या होने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत जगह जा जाकर नाटक का मंचन किया। उन्हीं दिनों गांधी जी ने 60,000 का चेक शांति निकेतन को दिया। जीवन के अंतिम चरण में गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कलकत्ता ले जाया गया। उस समय उनकी नातिन ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ नया पावर प्लांट लगने जा रहा है। इस पर गुरुदेव ने कहा कि हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा और नए का आगमन होगा। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। जीवन की विशेष उपलब्धि थी शांति निकेतन का निर्माण और जल कल्याण। इसी प्रकार उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का मेरा सौभाग्य है और मेरी कोशिश है, और मैंने जो भी कोशिश की, मेरा जितना भी ज्ञान था, मैंने उस आधार पर थोड़ा कुछ लिखा है। धन्यवाद।